नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडल। तो ये हमने अभी पिछले लेक्चर में मॉडल बनाया था, स्ट्रक्चरल मॉडल, और फिर इसको हमने टेस्ट किया था। और ये जो मॉडल है बेसिकली थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर के बेस्ड है, और इसी से हमने अपने रिजल्ट्स निकाले थे। दो फॉर्म देख रहे हैं हम यहाँ पर, देखिए, एक तो अनस्टैंडर्ड एस्टिमेट्स और दूसरा है हमारा स्टैंडर्डाइज्ड एस्टिमेट्स। देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे वैल्यू ये वन से कम होगी, है ना। जब स्टैंडर्ड फॉर्म होगा तो उसका मतलब है कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू है वो वेरी करेगी माइनस वन से प्लस वन के बीच में, ठीक है। ये हमारा अनस्टैंडर्ड फॉर्म है, ये देखिए, इसमें वैल्यू हमारे ज्यादा आ सकती है, ठीक है। ये देखिए, ये सारी वैल्यू ज्यादा आ रही है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से, जिससे हम इसको समझ सके, और हमारे पास इसको छोटा या बड़ा करने का ये तरीका है। क्या हम बात कर रहे थे इंटरप्रिटेशन की, ये जो हमारे पास इंटरप्रिटेशन आया है इस मॉडल का, इसको वन बाय वन हम लोग करते हैं। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि ये जो मॉडल है, द मॉडल इज रिकर्सिव। दो तरीके के मॉडल होते हैं, रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव। नॉन रिकर्सिव मॉडल वो होते हैं जिसमें हम फीडबैक भी लेते हैं। जैसे फीडबैक, ये देखिए, अभी ये केवल वन वे, जब हम इसका फीडबैक लेंगे परचेज बिहेवियर का, परचेज इंटेंशन में, तो ये हमारा मॉडल नॉन कर्सिव मॉडल बन जाता है। हालांकि हमारे जितने भी सोशल साइंसेस के रिसर्चेज में 95% हमारे जो मॉडल होते हैं वो रिकर्सिव मॉडल होते हैं, ठीक है। देखिए, अगर कोई चीज समझ में भी नहीं आती है तो हम इसको डबल क्लिक करके समझ सकते हैं। फिर है वेरिएबल समरी। कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास? तो वेरिएबल देखिए, पहले ऑब्जर्व्ड और एंडोजीनियस वेरिएबल्स। ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड वेरिएबल का मतलब है कि जो हमने अपने जो मेजर्ड वेरिएबल्स हैं वो हमारे ऑब्जर्व्ड वेरिएबल हैं, तो वो कितने थे? 17। और एंडोजीनियस, ये इसमें देखिए ऑब्जर्व्ड और एंडोजीनियस लिखा हुआ है। एंडोजीनियस का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका मतलब भी हमें समझना है। ये देखिए, ये हमारे पास 4 3 4 3 3, टोटल 17 है। ये है ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड का मतलब है ये क्वेश्चन हमने लिए, और एंडोजीनियस, ये देखिए, ये जो टर्म यहां पर देख रहे हैं, एंडोजीनियस। एंडोजीनियस वेरिएबल का यहां पर मतलब है कि 81 82 83 84, ये जो हमारे चार क्वेश्चन हैं, ये हमारे डिपेंड हैं किसके ऊपर? एटीट्यूड के ऊपर, ठीक है ना। तो ये एरो इसलिए इधर है, जिस एरो जिसकी तरफ होता है वही वेरिएबल हमारा डिपेंड होता है। ऐसे ही देखिए, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, S1 SN2 SN3, ये सारे हमारे पास हम डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। और ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड का मतलब जो क्वेश्चंस हैं हमारे, इसको हम ऑब्जर्व्ड वेरिएबल भी कहते हैं। और अनऑब्जर्व्ड हमारे कौन से वेरिएबल है? ये देखिए, ये हमारे अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल है, एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म्स, परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल, परचेज इंटेंशन, परचेज बिहेवियर, ये हमारे लेटेंट कंस्ट्रक्ट्स है। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से मिला के हमने ये वेरिएबल बनाया है अपना, अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल या लेटेंट वेरिएबल भी इसको हम कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें फिर है अनऑब्जर्व्ड एंडोजीनियस वेरिएबल। देखिए, एक तो अनऑब्जर्व्ड है और फिर इसमें लगा दिया एंडोजीनियस, तो ऐसे तो दो ही हैं। कौन कौन से हैं? दो एंडोजीनियस, एक तो ये है और एक ये है, अनऑब्जर्व्ड का ना। ये देखिए, एक तो ये आ गया अनऑब्जर्व्ड और एक ये, तो ये दोनों वेरिएबल हमारे अनऑब्जर्व्ड भी हैं। वैसे तो 5 अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल है, ये भी अनऑब्जर्व्ड, 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 लेकिन ये जो 3 है, एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म्स, परसीव्ड बिहेवियर, ये जो वेरिएबल है हमारे, ये ऑब्जर्व्ड तो है, अनऑब्जर्व्ड है, लेकिन ये है एक्सोजीनियस। लेकिन ये वाले जो वेरिएबल है दोनों, ये एंडोजीनियस वेरिएबल है दोनों, अनऑब्जर्व्ड एंडोजीनियस वेरिएबल। ये देखिए, ये जो यहां पर लिखा हुआ ना, अनऑब्जर्व्ड एंडोजीनियस, एंडोजीनियस का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन कौन से हैं? परचेज इंटेंशन एंड परचेज बिहेवियर। एक बार हम फिर से देख लें, परचेज इंटेंशन एंड परचेज बिहेवियर दोनों हमारे वेरिएबल एंडोजीनियस भी हैं और इसके साथ साथ अनऑब्जर्व्ड। फिर देखिए, अनऑब्जर्व्ड एक्सोजीनियस वेरिएबल। अनऑब्जर्व्ड हमारे पास कौन से हैं? जैसे हमने बताया, 3 और हैं। देखिए, एक तो ये एटीट्यूड, एक सब्जेक्टिव नॉर्म्स
और एक तीसरा है परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल। तो ये जो तीन वेरिएबल है हमारे पास, एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म्स और परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल, ये तीनों के तीनों अनऑब्जर्व्ड हैं और अनऑब्जर्व्ड के साथ एक्सोजीनियस, ये देखिए कहीं लिखा होगा अनऑब्जर्व्ड एक्सोजीनियस वेरिएबल। इसके साथ साथ और कौन कौन से अनऑब्जर्व्ड, E1, E2, E3, ठीक है, सब्जेक्टिव नॉर्म ये भी एक हमने लिया है, दो लिए थे ना, परस्यूड बिहेवियर का एरर टर्म लिया था हमने और एक सब्जेक्टिव नॉर्म का। ये देखिए ये डायग्राम में E1, E2, E3, E4, E5 ये कितने टोटल, E17 और ये E20 और E21, वैसे हमें ये E18 और E21 E20 लिखना चाहिए था, 17, 18, 19, खैर नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास ये एरर टर्म है और ये जो अनऑब्जर्व्ड है, क्योंकि इनकी वैल्यू भी हमें मालूम नहीं है, अनऑब्जर्व्ड है और एक्सोजीनियस है, ठीक है, जो अभी आगे फाइंड करेंगे। अब हमें इस टेबल को पढ़ना जरूरी है, इस टेबल का मतलब क्या है, एक एक लाइन का मतलब क्या है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन योर मॉडल कितने हैं, 41, ठीक है, 41 कैसे हैं, जरा हम जरा देख लें इसको, 41 कैसे हैं, ये कौन से वेरिएबल बोले थे इन्होंने, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन योर मॉडल 41, देखिए 17 तो ये हो गए एरर और 17 हमारे पास ये हो गए 81, 83, 37, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 2 ये रहे, तो कितने हो गए 41, देखिए 41 लिखा उन्होंने 41। अब इसमें से 41 को कैसे बाइफर्केट किया उन्होंने, नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स कितने 17, ऑब्जर्व्ड का मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने कितने लिए थे, 17 तो थे क्वेश्चन, 81, 82, 83, SN1, SN2 ये टोटल 17 थे हमारे ऑब्जर्व्ड वेरिएबल, है ना, और ये 5 हमारे अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल हैं, इसको भी हम यहां पर देख लेते हैं। अब क्या है इसके बाद, देखिए नंबर ऑफ अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स, नंबर ऑफ अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल मतलब जिनको हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, ये हैं 24, कैसे हैं जरा काउंट कर लेते हैं, 24 कैसे हुए, ये देखिए 5 तो ये हो गए अनऑब्जर्व्ड, 4 मतलब ये हम कह सकते हैं कि जितने हमारे आइटम्स हैं उतने ही एरर वेरियंस टर्म है हमारे पास, तो 17 तो ये हो गए, 18, 19 और 19 के साथ 4 हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तो 24 हो गए, देखिए कितने हैं, ये आ गए 24, नंबर ऑफ ये अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल हमारे पास है 24। फिर नंबर ऑफ एक्सोजीनियस वेरिएबल, एक्सोजीनियस तो हमारे वो इंडिपेंडेंट होगा एक तरीके से, एक्सोजीनियस तो एक्सोजीनियस इंडिपेंडेंट देखिए कितने हैं, एक तो ये हो, ये 17 तो ये हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 17 और 5 22 भाई, एक तो ये एरर टर्म है सारे, ये भी एक्सोजीनियस ही है, और ये 17, 18, 19 और 19 के बाद 20, 21, 22 तो इस तरीके से हमारे पास जो है 22 हमारे पास नंबर ऑफ एक्सोजीनियस वेरिएबल आ गए। फिर है नंबर ऑफ एंडोजीनियस वेरिएबल, एंडोजीनियस का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल कितने, डिपेंडेंट कितने 17 तो ये हो गए देखिए, है ना, और 2 ये हो गए, ये भी डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट है, तो कितने हो गए टोटल 19, ये हमारे पास आ गए 19, ये देखिए टोटल यहां पर 19। चलिए अब आगे चलते हैं पैरामीटर समरी, पैरामीटर समरी में दोस्तों इसमें देखिए वेट्स, वेट्स का मतलब है रिग्रेशन वेट, ये कोवेरियंस, वेरियंसेस, मींस, इंटरसेप्ट, टोटल। फिक्स्ड हमारे पास कितने हैं, फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड का मतलब है कि उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें फ्री पैरामीटर्स की वैल्यू ही फाइंड करनी पड़ती है, ये ध्यान देना हमें। और ये इसमें पहले हम 24 जो हमारे फिक्स्ड हैं उनको पहचान लें, कौन कौन से हैं हमारे मॉडल में 24, देखिए 24 में एक तो ये 17 ही आ गए, 17, 1, 2, 3 है ना, 17 तो ये आ गए, 17 के बाद जो है हमारे जो फिक्स्ड हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी है, 17 के बाद जो है हमें 7 और चाहिए, 7 देखिए 17 ये हो गया, 18 ये हो गया, 19 ठीक है, 19 के बाद हमारे पास जो बाकी कितने बचे हैं, 19 के बाद है हमारे पास 5 और है,
जो फिक्स्ड हैं, जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं करनी, ठीक है। और इसमें देखिए ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्डाइज्ड में, एक मिनट, ये आ गया। इसके बाद देखिए 19 के बाद एक हमारे पास ये आ गया 20, 21, 22, 23, 24 वेट्स। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 24 फिक्स्ड कैसे हैं, देखिए चार ये हो गए, चार ये, तीन ये, सात, सात चार 11, 11 तीन 14 और तीन 17, वो 14 तीन 17 हो गए, ये 18, 19 और एक ये 1 है 20, एक इधर 1 है 21, ये 22 और ये है 23 और एक ये 24, ठीक है 24 हो गए हमारे पास। इसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, हमें करनी होती है फ्री पैरामीटर की। अब ये अनलेबल्ड इसमें से कितने हैं, जिनको लेबल नहीं किया, ये 16 है। 16 कैसे हैं, देखिए तीन तो ये रहे, दो इधर, पांच और तीन 8, 8 और दो 10, 10 और दो 12, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, तो ये 16 आ गए, यहां पर होंगे 16, इनका भी लेबल हमने नहीं किया है, टोटल कितने हो गए हमारे पास 40। अब आते हैं हम अनलेबल्ड हमारे पास जो है कोवेरियंस, जो कोरिलेशन या कोवेरियंस एक ही चीज है, ये देखिए एक तो ये आ गया 1, एक ये आ गया 2 और एक एटीट्यूड का परस्यूट वेरिएंस, तीन हमारे पास कोवेरियंस आ गए, ये देखिए तीन हमारे पास कोवेरियंस। अब ये वेरियंस क्या है, वेरियंस भी समझ लेते हैं हम, देखिए वेरियंस ये रहा एरर वेरियंस टर्म, 1, 2, 3 ये इस तरीके से कितने हो गए, 17, 18, 19 हो गए, ठीक है, और तो नहीं है कोई, 19 कितने लिखे हैं यहां पर, 19 और 3 22, तो 3 हो रहे हैं अभी, 19 तो हमारे पास ही आ गए, देखिए 17, 19, 18, 19 और उसके बाद जो है हमारे पास एक इनका होगा, एक इसका होगा और एक इसका, 22 हो गए हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो 22 हमारे पास टोटल हो गए वेरिएंस, सबका वेरिएंस आएगा, एटीट्यूड का भी आएगा, सब्जेक्टिव नॉर्म्स का भी आएगा, परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल का भी आएगा, ठीक है। तो इसमें हम अब देखिए दोस्तों, इसके बाद जो है हमारे पास याद है, तो टोटल 16 + 22 + 3 तो 41 हो गए टोटल हमारे, इस तरीके से हम टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास 65 आ गए। अब हम आगे चलते हैं, ये देखिए ये जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सैंपल कंपोनेंट, ठीक है, ये जो है हमारा टर्म कैसे आता है इसको भी हम दोस्तों, इसमें जो ये हमारा कंप्यूटेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम देख रहे हैं, ठीक है, जो इसको कैसे हम निकालते हैं ये, इसका यहाँ से हम अगर डिटेल में चाहें तो पढ़ सकते हैं। खैर अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ये हमारे पास जो आए हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सैंपल मोमेंट 153 और जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जो पैरामीटर जो हमें एस्टिमेट करने हैं वो 41 करने हैं, ठीक है। अभी हमने देखिए जो पैरामीटर हिस्ट्री है, इससे भी जो अनलेबल्ड वाले हैं वही हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, जिसमें से तीन तो हमें ये रिग्रेशन वेट करने हैं 16, तीन कोवेरियंसेस 22 वेरियंसेस और टोटल मिला के 41 वेरिएबल्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ पर आ गया 153 माइनस 41 दैट इज डिग्री फ्रीडम 112 और काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई और जब इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है सी मिन की वैल्यू आ जाएगी, सी मिन डिवाइडेड बाय ये देखिए मिनिमाइजेशन हिस्ट्री, अभी इसमें हमारे पास जो है एस्टिमेट्स को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है रिग्रेशन वेट, ठीक है, दो तरीके से रिग्रेशन वेट दिया है, एक तो अनस्टैंडर्ड फॉर्म में और दूसरा है ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले हम इसका मतलब समझ लें कि ये है क्या, ठीक है, परचेज इंटेंशन और एटीट्यूड, ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी थी 0.1, ये देखिए यहां पर हम इसको कोशिश करते हैं, परचेज इंटेंशन और एटीट्यूड, परचेज ये तो हमारा है
अनस्टैंडर्ड फॉर्म का ये देखिए, और इसको परचेज ये देखिए 81 की 1.08 यहां पर आ रही है, 1.42 शायद 1.42 वैल्यू हमें दिख जाए कहीं यहां से। खैर एस्टिमेट की वैल्यू जो है 1.42 है, और जो स्टैंडर्ड एरर है वो हमारा कितना है 0.121। अब इसमें हमें क्या करना है, क्रिटिकल रेशियो निकालना है। तो क्रिटिकल रेशियो निकालने का देखिए यहाँ फॉर्मूला भी दिया है कैसे निकालते हैं, जो इसको डिवाइड कर देंगे हम 1.142 को डिवाइड किया हमने 0.121 को ये कि इस फॉर्मूले से, तो ये आ गया हमारे पास 1.75। और ये जो है नॉन सिग्निफिकेंट बिकॉज इट्स पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05, ये वाला हमारा सिग्निफिकेंट है ना। इसके बाद ये सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट है। तो ये तो हमारे पास जो इनकी रिलेशनशिप है अन स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो ये है रिग्रेशन वेट। दूसरा है स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन वेट, ये देखिए इसमें परचेज इंटेंशन और एटीट्यूड पीआई और एटीट्यूड की जो वैल्यू है वो है 0.07। ये देखिए यहाँ पर कहीं होगी परचेज इंटेंशन एंड एटीट्यूड, परचेज इंटेंशन और एटीट्यूड में जो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हम इसको लाते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया, ये देखिए ये कितनी है परचेज इंटेंशन और एटीट्यूड वैल्यू कितनी आई है 0.075, लगभग 0.08, यहाँ पे इसलिए 0.08 दिया है। दूसरा है परचेज इंटेंशन और सब्जेक्टिव नॉर्म, इसकी है 0.175। ये देखिए ये वैल्यू कौन सी है, ये 0.175 को 0.18 ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज हमारी आ गई। और ये देखिए जो एटीट्यूड की है, जो चार हमारे पास वेरिएबल है क्वेश्चन थे एटीट्यूड के साथ, उनका जो वैल्यू है वो है पहले 81 में सबकी 0.7 से ज्यादा है जो कि डिजायरेबल है 0.816, 0.76। ये देखिए यहाँ से हम इसको डायग्राम से पढ़ सकते हैं 0.82, 0.77, ये देखिए ये वैल्यू 0.82, 0.77, इसको इस तरीके से हमने यहाँ पर ये वैल्यूज आ गई। इसी तरीके से SN1, SN2, SN3 इनकी वैल्यू भी ये आ गई। तो ये रिग्रेशन वेट की है, दो वेट है हमारे पास, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म का और एक अनस्टैंडर्ड फॉर्म, दोनों की वैल्यू। ये अनस्टैंडर्ड फॉर्म वाला हमारा ऊपर गया और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो नीचे। चलिए हमें जो निकालनी थी तो रिग्रेशन वेट की वैल्यू, देखिए हमें किस किस की वैल्यू फाइंड करनी थी पैरामीटर समरी में, ये रिग्रेशन वेट की 16 वैल्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या 16 वैल्यू है, ये जो रिग्रेशन वेट की वैल्यूज थी हमारे पास वो देखिए 16 तो वैल्यूज हैं रिग्रेशन वेट की। पैरामीटर वेरिएबल में देखिए रिग्रेशन वेट की जो थी है, ये तो फिक्स है हमारे पास, अनलेबल्ड जो है एक तो 16 है और वेरिएंस की 22 है, टोटल हमारे पास 41 है और तीन कोवेरिएंस। खैर हमारे पास जो टोटल वैल्यू है वेट्स की वो है 24 तो फिक्स्ड है और फ्री पैरामीटर 16 है। ये देखिए इसको हम बात कर रहे थे फ्री पैरामीटर हमारे पास 16 है, इसलिए है 16 क्योंकि ये फिक्स है 1, इसका भी ये फिक्स है 1, तो टोटल 17 थी, तो 17 में से जब 5 में फिक्स हो गया तो कितने बचे 12, और 12 और 4 कितने हो गए हमारे पास 16। तो ये देखिए हमारे पास जो है 16 जो वैल्यू है इसको हम देख लेते हैं, ये 16 वैल्यू है अनलेबल्ड, ये 16 वैल्यू कैसा है फिर एक बार समझ लेते हैं। देखिए ये 1, इसका 1, ये 1, ये 1, ये 1, 5 तो ये हो गए जो फिक्स है 5 कंस्ट्रक्ट में, ठीक है। तो 17 में से अगर हम 5 लेस कर लेते हैं तो 12, और 4 ये आ गए हमारे पास जो हमारे पास इनका एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस वेरिएबल के हैं, तो 12 और प्लस 4 16 आ गए, ठीक है ये 16 आ गए। अब 3 कोवेरियंस की वैल्यू देखते हैं कैसे आई है। इसके बाद जो है हम कोवेरियंस, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म का, ये कोवेरियंस की एटीट्यूड का सब्जेक्टिव नॉर्म्स के साथ, एटीट्यूड कहाँ है ये हमारा है एटीट्यूड का सब्जेक्टिव नॉर्म के साथ, एक तो इसके साथ कोवेरियंस आ गया, इसमें देखिए 0.11 दिया हुआ है। अब इसमें देखते हैं कितना है, ये जो है कोवेरियंस और कोरिलेशन, ये देखिए 0.11 ये आ गया है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है कोवेरियंस, ये कोरिलेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास सब्जेक्टिव नॉर्म की, ये देखिए
0.026 सब्जेक्टिव नॉर्म और इसकी 0.026 को उन्होंने 0.03 मान लिया और एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई 0.08 एटीट्यूड और परसीव्ड की। ये देखिए ये वैल्यू हमारे पास परसीव्ड और एटीट्यूड की जो वैल्यू आ गई वही आ गई। ठीक, कोवेरियंस भी हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे पैरामीटर हिस्ट्री में ये जो वेट भी आ गया हमारा रिग्रेशन, ये भी आ गया। अब वेरियंस जो है टोटल 22 वेरियंस कैसे हैं इसको भी जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 20 ये स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन वेट है, ये हमारे पास आ गए वेरियंस, ये 22। देखिए 17 तो हमारे पास क्वेश्चन थे तो 17 तो वो हो गए। ठीक, 17 के बाद जो है 17 के बाद दो ही आ गए 19, जिसको हमें 20-21 दिया है। वैसे 18 और 19 देते तो समझने में आसानी हो जाती, कोई बात नहीं। 19 और प्लस 3 ये हैं तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, टोटल हो गए हमारे पास वेरिएंस 19 प्लस 3 22। देखिए यहाँ पे हम चेक करके ये ना देखिए वेरिएंस हमारे पास है टोटल 22। ठीक है, फिर ये हमने यहाँ पर देखा कि 22 हमारे पास कैसे आए थे, ये देखिए ये आले हैं, ये वेरिएंस हैं। अब सारे के सारे वेरिएंस हमारे पास सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। ये देखिए पॉइंट इसकी जो वैल्यू है ये हमने कैसे निकाली क्रिटिकल रेशियो की, पिछले वाले में भी बताया हमने 0.769 डिवाइडेड बाय 0.1। ये देखिए इस तरीके से 0.769 डिवाइडेड बाय 0.100। ठीक, इसी तरीके से सभी की वैल्यू हमने निकाली है और ये सिग्निफिकेंट है सारी की सारी वैल्यूज। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जो इंटरप्रिटेशन है। अब ये देखिए जो वेरिएबल पैराम इसमें जो तीनों चीज हमने निकाल ली, ये भी वेट भी कोवेरियंसेस भी वेरियंसेस भी, तो जो हमें एस्टिमेटेड जो पैरामीटर थे 41 वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ये देखना है गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट में ये देखिए गुडनेस ऑफ फिट में ये हमारे पास जो आया डिवाइड हमने किया 152। ठीक है, 152 ये एक तरीके का काई स्क्वायर ही है, इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं कैलकुलेटर से। ये है 152 डिवाइडेड बाय 112 है ना, 152.421 और डिवाइडेड बाय 112 तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 1.36। ठीक है, जो कि डिजायरेबल है और ये वैल्यू हमारी सिग्निफिकेंट आ गई है। तो इसमें और एक चीज और ध्यान रखना है हमें, ये जो सी मिन डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो रेशियो है ये हमेशा 2 से कम होना चाहिए। हालांकि कई कई जगह वो स्टडी के ऊपर भी डिपेंड करता है 3 तक भी लोग ले लेते हैं, लेकिन अगर थ्योरेटिकली देखें तो इसकी वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए। खैर, अब हमने जो बात की थी तीन चीजें, देखिए यहाँ पे ना तीन चीजें हमने बात की थी, एक तो एब्सोल्यूट फिट मेजर्स, इंक्रीमेंटल फिट मेजर्स और पार्सिमोनियस फिट मेजर्स, इनकी वैल्यू 0.9 से ज्यादा होनी चाहिए। अब आई है या नहीं ये हम देखते हैं। पहले देखिए GFI गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्स 0.94 गुड, AGFI एडजस्टेड गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्स की वैल्यू 0.92, ये भी अच्छी है। RMR ठीक है, ये भी 0.08 से कम होनी चाहिए। ये बैडनेस ऑफ फिट इंडेक्स है बेसिकली, और ये जो GFI AGFI PGFI इनकी वैल्यू जो वेरी करती है 0 से लेकर 1, तो जितनी वैल्यू 1 के करीब होगी उतना मॉडल फिट होगा। कहने का मतलब है कि जो ऑब्जर्व्ड कोवेरियंस मैट्रिक्स की वैल्यू और एस्टिमेटेड कोवेरियंस की वैल्यू सेम है, अगर ये जो वैल्यू 0.94 या 0.95 से ऊपर आती है तो हम कहेंगे। और परफेक्ट फिट कब होगी, जब ये 1 आ जाएगी, जब ऑब्जर्व्ड कोवेरियंस मैट्रिक्स की वैल्यू और एस्टिमेटेड कोवेरियंस की मैट्रिक्स की वैल्यू सेम होगी तब हमारा मॉडल परफेक्ट फिट होगा। लेकिन परफेक्ट फिट नहीं होता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा एरर भी आता है, इस वजह से ये जो AGFI या AGFI की वैल्यू कम है। हमारा जो बाय डिफॉल्ट मॉडल है ये हम इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है RFI NFI, ये देखिए सबकी वैल्यू 0.9 से ऊपर है, 0.9 से ऊपर है। TLI की भी टकर लेविस इंडेक्स की वैल्यू भी 0.9 5 से ऊपर है, तो मॉडल हमारा जो है ये फिट बैठ रहा है।
पार्सिमोनी 0.8 से ऊपर भी हो जाती है तो भी हम कह सकते हैं कि ये फिट है, हालांकि इनकी वैल्यू भी 0.8 से ज्यादा होनी चाहिए दोनों की, लेकिन ये लगभग 0.8 के आसपास है। अब एक RMSEA, ये भी बैडनेस ऑफ फिट है, और ये बैडनेस ऑफ फिट की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए 0.08 से कम, तो ये हमारे पास 0.035 है, तो हम कहेंगे कि ये मॉडल हमारा फिट है। बैडनेस ऑफ फिट इंडेक्स की वैल्यू 0.08 से कम होनी चाहिए, गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्स की वैल्यू चाहे वो हमारा इंक्रीमेंट एब्सोल्यूट फिट मेजर्स हो, इंक्रीमेंटल फिट मेजर्स हो, या पार्सिमोनियस फिट मेजर्स हो, तीनों में 0.9 से वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे मॉडल हमारा फिट है। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया है, तो इसी तरीके से हम लोग इसमें और भी एडवांस केसेस होते हैं, जैसे मीडिएशन की प्रॉब्लम है, मॉडरेशन की प्रॉब्लम है, फिर और भी जैसे अभी ये हमने केवल सिंगल फैक्टर का लिया है, और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना। तो अभी ये बेसिक था, इसके बाद हम जो है जो दूसरी हायर प्रॉब्लम्स हैं उसको टच करेंगे, और उससे पहले हम चाहेंगे कि जो स्मार्ट PLS है एक दो लेक्चर हम उसके भी डाल दें, जिससे आइडिया हो जाए कि जो ये CB बेस्ड हमारा MOS है और PLS बेस्ड जो स्मार्ट PLS है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, और उसमें हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसके रिजल्ट को कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो वो दोस्तों हम अपने जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।